chance. DID Super Moms के सेट पर अपनी फिल्म ABCD2 यानी Anybody Can Dance Part 2 को प्रमोट करने आए वरुण धवन और श्रद्धा कपूर। ऊंची वाली हील पहन कर डांस और आते ही दोनों ने बताया कि कितनी मुश्किलें आईं इन्हें अपनी फिल्म के फर्स्ट पोस्टर को शूट करने में। इसमें स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, हमने एक्चुअली ये किया है। लोग पूछ रहे कि कैसे किया ये वो, पीठ में थोड़ी बहुत ये स्ट्रेन भी आ गई, पर वी डिड इट। नो नो, शी डिड, शी रियली हैड टू आर्च हर बैक व्हिच वाज वेरी डिफिकल्ट आई थिंक। आपको करने मुझे ऐसे लग रहा है। सो हाउ मच टाइम It took some time, little time. एक shot में नहीं हुआ, क्योंकि दो तीन बार मैं गिरा, तीन चार बार ये गिरने वाली थी, but हमने कर लिया, eventually. साथ ही इन्होंने शेयर की अपने बचपन की कुछ मेमोरीज भी। मुझे नाचना बहुत पसंद आता है और श्रद्धा भी, क्योंकि बचपन में हम लोग हमने बहुत डांस किया बचपन में, साथ में भी गंदी डांसेस हम लोग साथ में, ऐसे ऐसे जो बच्चों के डांसेस होते थे ना, बच्चों के कंपटीशन, वो हम लोग करते थे, हारते थे साथ साथ। काफी फोटोग्राफ्स और वीडियोस है हमारे बचपन के साथ में छुपे हुए। एनी सॉन्ग्स? वैसे यहाँ राज खुला वरुण धवन के इस माइकल जैक्सन से इंस्पायर्ड टैटू का भी। माइकल जैक्सन इज रेमोस इंस्पिरेशन, आई थिंक हर डांसर का इंस्पिरेशन होता है, तो इसलिए सुरेश का जो कैरेक्टर है वो माइकल जैक्सन, रेमोस हैज द सेम टैटू। और पहली बार किसी फिल्म में फुल ऑन डांसिंग डीवा के रूप में नजर आने वाली श्रद्धा ने बता दिया कि ये फिल्म करना उनके लिए कितना टफ रहा। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग, पूरी फिल्म मेरी ट्रेनिंग रही है। मैं मेंटली और फिजिकली भी देखो इतना मतलब चेंज हो गया है। डेफिनेटली अ लॉट ऑफ रिहर्सल्स यू डन। एक इंजरी भी हुई थी मुझे पहले थर्ड रिहर्सल पे मुझे इंजरी हुई थी, तो लॉट्स ऑफ रिहर्सल्स यू डन। आप प्रोमो देखोगे ना आपको पता चल जाएगा। Well, इन दोनों की तैयारी तो पूरी है, अब देखना ये है कि कल रिलीज होने वाला इनकी फिल्म का ट्रेलर ऑडियंस को कितना इंप्रेसिव लगेगा। Watch our trailer, ABCD2. Please watch the trailer in 3D, it's something else.